लोकसभा रे राहुल गांधी को धर्मेन्द्र प्रधान का मुहतोड़ जवाब। प्रश्नपत्र लीक मामला रे विरोधी दल नेतां को बयान को दृढ़ निंदा। इससे दुर्भाग्यजनक बयान, देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर, मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। 2010 रो कॉपी रोकिबा आइन प्रसंग रे कांग्रेस को कले टारगेट। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा क्या। कहा चापरे प्रत्याहार हुई थला प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल। जवाब देवे कि रिमोट कंट्रोल रे यूपीएस सरकार चलाइथिबा लोके। 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, वो हमको प्रश्न पूछते हैं। 2010 मसीह रे घरोई मेडिकल कॉलेज दन को चाप आगरे मुंडो नुआई थिले कि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व अधीन यूपीए सरकार देशर शिक्षा व्यवस्था रे सुधार दिगरे बड़ पदक्षेप को करा जायथिला कि प्रत्याहार बृहत्तर स्वार्थ को अणदेखा करबा पछरे थिला कि मोटा अंकर लांच कारबार। आज एमिति प्रश्न उठाई लोकसभा रे कांग्रेस ओ राहुल गांधी को टारगेट करिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है, मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान, देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर, मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। आज लोकसभा प्रश्न काल रे प्रश्न पत्र लीक मामला उठाई केंद्र सरकार को समालोचना करथिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी। देशर पूरा शिक्षा व्यवस्था उपरे प्रश्न उठाइले जार मुहतोड़ जवाब देते केन्द्र शिक्षा मंत्री। राहुल मंतव्य को दुर्भाग्यजनक कहवा दृढ़ निंदा करते धर्मेन्द्र प्रधान। ये the issue is, मामला जो है कि लाखों छात्र हैं इस देश में जो काफी चिंतित हैं कि क्या चल रहा है, और वो आश्वस्त हैं कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक जालसाजी है, वो खतरे में है। लाखों लोग ये मानते हैं कि यदि आप समृद्ध हैं और यदि आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरी में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसकी दबाव में उठ रखे, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठ रखा था। सच सुनने की सामने है। देशर शिक्षा व्यवस्था रे सुधार पई 2010 मसिया रे 3टी आइन आनिथिले केंद्र सरकार। एथरु गोटिए थिला प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल, जार उद्देश्य थिला शिक्षानुष्ठान रे कॉपी रोकिबा, किंतु चापरे पड़ी एही बिल को प्रत्याहार करनिथिले यूपीए सरकार, आउ एबे एही आइन लागू करिसंती मोदी सरकार। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस 2 परे कोन करिवु? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कोन करिवु? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी, तू कोन पढिवु? मु तो बीपीटी पढिवि। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।